सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, हमारा चैनल का नाम जितेंद्र कुमार इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज एक वीडियो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, जो सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने का, इसमें हम बतलाने का प्रयास करेंगे। और इसका कारण सिर्फ पब्लिक का ही नहीं, हमारा जो सिस्टम है इकोनॉमिक्स पनिशमेंट देने का, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम का पालन का उल्लंघन मैंने पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो इसमें टेंडेंसी अभी तक का जो मैं आंकड़ा उपलब्ध है हमारे पास, मैंने जो देखा है अपने समाज में, तो उससे पता चलता है कि गरीब के अपेक्षा अमीर लोग ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। चूँकि जो पनिशमेंट दिया जाता है इकोनॉमिक्स पनिशमेंट, मान के चलिए जो भी दिया जाता है, तो गरीब से ज़्यादा लिया जाता है और अमीर से कम। और ये कैसे, तो मैं वीडियो में बतलाऊंगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारे चीज़ों की इन सब की जानकारी होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और अगर लाइक आया तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कीजिए, ताकि सब लोग अवेयरनेस हो सके। क्योंकि आज आप आंकड़ा उठाइएगा नेट पर भी, सबसे ज़्यादा लोग मरता है और मारता है इन ट्रैफिक नियमों के वॉयलेशन से, माने पालन नहीं करने से। सपोज डैट मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, हमारा अगला जिस रोड पर हम चल रहे हैं अगला अच्छा गाड़ी नहीं चलाएगा, तो उसका कॉस्ट वो शराब पी के चला रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट सभी माने सभी को चुकाना पड़ता है। तो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखना देखिएगा। पहली बात हमारी कहने का है, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अपने टॉपिक में आने से पहले, मैं तीन चीज़ बताना चाहता हूँ। जो टैक्सेशन का रूल है वो आप जान लीजिए। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोपोर्शनल टैक्स एंड थर्ड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाएगी, इनकम हमारा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्सेशन भी बढ़ता जाएगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक, प्रोपोर्शनल। जो भी हमारी इनकम हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, 1 करोड़ हो, उस पर इक्वली रेट ऑफ टैक्सेशन सेम रहेगा, रिमेन 10% तो 10%। एंड रिग्रेसिव में जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाएगी, रिग्रेसिव टैक्स में जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, लेकिन इनकम बढ़ेगी लेकिन रेट ऑफ टैक्सेशन घटते जाएगा, ये रेट ऑफ टैक्सेशन। तो बेसिक रूल आप समझ गए, तीनों चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, आखिर ट्रैफिक नियमों का इतना उल्लंघन क्यों होता है, जो सरकार ने इतने सारे नियम बनाने के बावजूद भी। तो आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर जो चार्ज किया जाता है वो रिग्रेसिव है। मतलब कि मान के सपोर्ट दैट मंथली इनकम सपोज दैट पर्सन ए का मान के चलिए 10,000 है, एक पर्सन बी का इनकम 1 लाख है, ये दोनों व्यक्ति ट्रैफिक के नियम को तोड़ता है, मान के चलिए ट्रैफिक के नियम को इन्होंने तोड़ा, दोनों पर इक्वल चार्ज लगता है 100 रुपीज। और इन जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है उनको भी 1,000 रुपया सपोज दैट देना पड़ रहा है, और 1 लाख जो कमा रहा है उसको भी 1,000 रुपया देना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा,
इसलिए दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली इनकी आर्थिक स्थिति कारण गरीब पर ज्यादा लिया जाता है और अमीर पर कम। गरीब पर ज्यादा लिया जाता है, अमीर पर कम। मैं ये प्रूव कर सकता हूं, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 10,000 है और वो ट्रैफिक के नियम को तोड़ता है और उसको 1,000 रुपया देनी पड़ती है, दैट मीन्स उसके इनकम का 10% ने आपने टैक्स लिया, सरकार ने टैक्स पर 10% लिया। और वही एक व्यक्ति की इनकम 1,00,000 रुपया है, उसको 1,000 रुपीज देना पड़ता है, तो उसका मात्र 1% है। तो यहाँ पर आप अमीर से गरीब से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं एज कम्पेयर टू अमीर। दूसरी नंबर बात है, जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 होगा, अगर महीना में एक बार वो ट्रैफिक नियम को वायलेशन करेगा तो 1,000 देना पड़ेगा, तो उसका 9,000 इनकम बचता है। अगर वही व्यक्ति अगर जिसकी इनकम 1,00,000 रुपया है, अगर वो 1,000 रुपया अगर दे देता है इकोनॉमिक्स पनिशमेंट, चूंकि ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने के लिए, तो उसके पास 99,000 बचता है। मान के चलिए इसके दिमाग में ये भी आएगा कि चलो आज हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 1,000 रुपया लगेगा। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो अमीर के पास होता है बहुत, सॉरी, गरीब के पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिच। अमीर, कहने का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गरीब को ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिच। सपोज दैट जो चीज, सपोज दैट हवा हमको फ्री में मिलता है, पानी हमको फ्री में मिलता है, तो उसके लिए हम कोई चीज पे नहीं करते, वो हमारी मात्रा ज्यादा, उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे कोई चीज हमें मात्रा ज्यादा मिलती है तो उसकी हम पैसा नहीं देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। कभी कभी पानी भी लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो पानी की दिक्कत होने लगी है। बहुत सारी चीज है, समय हम लोग के पास बहुत ज्यादा होता है 24 घंटा, कभी कभी हम लोग बर्बाद भी करते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। उसी तरह अमीर के पास ज्यादा पैसा है तो उसकी पैसे की वैल्यू उसके लिए कम होती है, और गरीब के पास पैसा कम अगर 1,000 उससे लिया जाए तो उसकी वैल्यू, माने वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि आप इन्होंने 10% अपनी इनकम का टैक्स दिया ट्रैफिक नियम को तोड़ने का, इन्होंने 1% दिया, तो ये इसी कारण से ज्यादा रिच परिवार से जो रहते हैं वो ज्यादा ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स पनिशमेंट दिल पर नहीं लगता है, क्योंकि कम लिया जाता है, 1% लिया जाता है। और दूसरी नंबर बात है, जो इससे जनरेट पैसा होगा, अभी भी आप जाइएगा डीएल बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा है जो भी हो सिस्टम में हो, लेकिन हम एक बार पर्सनली गए थे तो हमसे 3,000 रुपया ब्रोकर के थ्रू मांगा गया था। तो 3,000 रुपया आपका जो चार्ज है, तो अमीर के लिए भी उतना ही और गरीब के लिए भी उतना ही है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम, मेरा कहने का मतलब है कि अमीर से कुछ ज्यादा परसेंटेज लिया जाए, उसकी इनकम पर फिक्स किया जाए, अगर 1 करोड़ कमाता है तो उसी आधार पर उससे लिया जाए, और जो गरीब के बेचारा पास कम पैसा, उसको 500-600 रुपया में यहाँ बननी चाहिए हेलमेट। जो ये पैसा जनरेट होगा अमीर से, अगर 10% लेंगे तो 10,000 देना पड़ेगा, तो वो ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक नियम को तोड़ेगा नहीं, दूसरी बात है सरकार के रिवेन्यू बढ़ेगी, उस रिवेन्यू में सब्सिडी के रूप से उन मान गरीबों के बीच रुपया को दिया जाए जो हेलमेट नहीं ले पाते हैं। 500 रुपया में उन्हें 1,000 का हेलमेट लेने में भी बहुत बड़ा बर्डन होता है, तो उसको 200-300 रुपया में यहाँ बांटा जाए। इससे एक तरफ तो ट्रैफिक के नियम को तोड़ने से रोक सकते हैं, और दूसरी तरफ ये समाज में इकोनॉमिक्स इक्वलिटी भी लाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।